बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ठीक है अल्केन फैमिली के बारे में स्टडी कर रहे थे। अल्केन फैमिली में कौन कौन होता है अप टू 10 मेंबर तक हम जान चुके हैं। ठीक है, अल्केन फैमिली में 10 मेंबर तक हम लोग कंपाउंड का नाम, इन मॉलिक्यूल का नाम हम जान चुके हैं टिल 10 मेंबर। ठीक है, इसका हम लोग स्ट्रक्चर ऐसे इसका स्ट्रक्चर हम लोग सीख चुके थे, सीख चुके थे। ठीक है, और हम लोग ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया हम लोग को, ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया था हम लोग को कि ब्रांच हम लोग कैसे यूज करना है। ठीक है, और जब ब्रांचिंग पढ़ा रहे थे उसमें हम लोग क्या समझा दिया था आपको, आपको आइसोमर के बारे में समझा दिया था। आइसोमर्स किसको बोलते हैं, आइसोमर्स किसको बोलते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ चुका है ना। आपका अल्केन फैमिली हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है, तो हाइड्रोकार्बन आपका सुपरसेट है। मैथ के बारे में बोले तो हाइड्रोकार्बन के अंदर ही होता है आपका अल्केन फैमिली होता है। इसके अंदर बहुत सारे फैमिली आता है, मतलब हाइड्रोकार्बन बहुत सारे टाइप का पॉसिबल है, तो उसमें अल्केन एक टाइप का होता है। ठीक है, तो अल्केन को बोलते हैं सैचुरेटेड, क्या बोलते हैं, ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसको बोला गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कुछ हमको पढ़ना है अनसैचुरेटेड के बारे में, अनसैचुरेटेड के बारे में। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, ध्यान देना, तो इसको नेक्स्ट पेज में दिखा देना आपको कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, फिर से रिपीट कर रहे आपके लिए हम, हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, ऐसा कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हो। हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में बांटा गया था, एक को बोला गया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, और एक को बोला गया था अनसैचुरेटेड। ठीक, तो सैचुरेट का मतलब क्या होता है आपके पास, तो बोलते हैं हम सैचुरेटेड बोलते हैं, ध्यान देना, इसका मतलब होता है कि कार्बन कार्बन क्या होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, जब भी बात करें सैचुरेटेड का, इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए ओनली। ठीक है, अनसैचुरेटेड में क्या होगा, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पॉसिबल है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, और बॉथ दोनों हो सकता है, दोनों चलेगा। ठीक है, इतना सारा टाइप अपने पास पॉसिबल है। ठीक, अब इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर भी बहुत सारा क्लास होता है, मतलब ऐसा नहीं है इसके अंदर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि अल्केन फैमिली, तो अल्केन फैमिली सब इसका पार्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अल्केन फैमिली ही बस सैचुरेटेड है। इसके अलावा आप जब फ्यूचर में पढ़ोगे ना तो आपके सामने बहुत सारा पार्ट आएगा। ठीक है, एक होता है साइक्लो अल्केन्स, क्या होता है साइक्लो अल्केन्स। ठीक है, तो ये सर, ये और भी कुछ पार्ट है सैचुरेटेड के अंदर, सैचुरेटेड के अंदर अल्केन के अलावा क्या है, साइक्लो अल्केन पॉसिबल है, साइक्लो अल्केन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देना, बस अल्केन को ही नहीं सैचुरेटेड बोलेंगे, सैचुरेटेड मतलब एक क्लास ऑफ कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अल्केन उसका बस पार्ट है, अल्केन उसका बस पार्ट है, इसी आप ध्यान दोगे। ठीक है, सिमिलरली बात करें अनसैचुरेटेड का, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है, उसमें से हमको पढ़ना है, हमको दो को पढ़ना है। ठीक है, अल्किन को पढ़ना है एंड अल्काइन को पढ़ना है। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ लोग क्या पढ़ना है अल्काइन के बारे में, अल्काइन के बारे में। ठीक है, तो चिदान ना, तो हम लोग अल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं, अपने काम हो चुका है, हमको पढ़ना है अल्किन या अल्काइन के बारे में, तो ध्यान देना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग अल्किन, तो अल्किन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो
अगर आपको डलबोन बनाना है तो डलबोन बनाने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए होगा? 2 कार्बन। तो अल्किन के एग्जिस्टेंस के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन होना चाहिए, एटलीस्ट 2 कार्बन होना चाहिए, यानी 1 कार्बन का अल्किन पॉसिबल नहीं है, 1 कार्बन का अल्किन पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज ध्यान देना। जैसे अल्केन फैम में पहले 1 कार्बन का अल्किन हो सकता था, क्या होता था? मीथेन होता था, ठीक है। बट अल्किन में चूंकि डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा हमको, कार्बन का डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो कम से कम आपका जो मेंबर बनेगा, पहला मेंबर होगा उसमें कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, एटलीस्ट 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। यानी अल्किन फैमिली का जो पहला मेंबर होगा उसमें 2 कार्बन होना चाहिए। और अल्किन फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है CnH2O, जो होता है अल्किन फैमिली का जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कार्बन फर्स्ट मेंबर क्या होगा, तो पहले मेंबर क्या होगा आपका? 2 कार्बन होना चाहिए। तो आपका जो यहाँ पे एन है, एन स्टार्ट कहाँ से होगा? तो एन स्टार्ट होगा 2 से, ठीक है। एन स्टार्ट होगा 2 से, यानी एन 1 नहीं हो सकता है, एन को 1 नहीं बोल सकते, एन नॉट इक्वल टू 1, 1 को मत बोलना एन को, ठीक है। एन 1 मतलब कार्बन 1 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक। ध्यान देना, अगर पहला बोलते हैं, पहला अल्किन किसको बोलेंगे? तो 2 कार्बन का अल्किन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ध्यान देना, ठीक है, उसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? तो पहला मेंबर जो होगा ये होगा C2H4 होगा, क्योंकि कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन के रूट क्या होता है? इथ होता है। और चूंकि अल्किन है, तो अल्किन के लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे? वो ईएन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ईएन। तो क्या नाम हो जाएगा? इथीन, ठीक है। 1 कार्बन का अल्किन पॉसिबल नहीं है, तो कोई बोलेगा मीथीन, मीथीन पॉसिबल नहीं है, मीथीन बोलेगा 1 कार्बन का मिथ कर देते हैं और ईएन कर देते हैं, मीथीन होगा ही नहीं, मीथीन होगा ही नहीं, मीथीन पॉसिबल नहीं है, इसको मत करना, ठीक है। पहला नंबर होगा इथिन, अगला कार्बन 3 कर दे तो क्या होगा? एच कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपीन। प्रोप होगा रूट व्हाट? 3 कार्बन का रूट क्या होता है? प्रोप और ईएनए हो जाएगा प्रोपीन। ये क्या होगा? C4H8, इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटीन। 4 कार्बन का रूट क्या होता है? ब्यूट, ईएनए, ब्यूटीन। C5H10 तो क्या हो जाएगा? चलोगे सिफाइशन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पेंट इन, ठीक। C6H12 ये क्या हो जाएगा? हेक्स इन, ठीक है। C7H14 ये क्या हो जाएगा? चलो हेप्ट, रूट वर्ड हो गया हेप्ट 7 के लिए, और इसका सफेस क्या होगा? तो ये नहीं होगा, हेप्ट इन, ठीक है। चलिए बात करते हैं C9H18, उसके लिए क्या हो जाएगा? रूट वर्ड क्या होगा? नॉन, नॉन इन, सॉरी C8 छूट गया था ना, C8H सेशन क्या होगा? ऑक्ट इन। C10H20 क्या कर लेंगे? चलो हम लोग तो बोलेंगे डेक इन, डेक इन, ठीक है। 10 मेंबर के लिए आपको नाम बता दिया, लोगों को नाम समझ में आ गया कि अल्किन का नाम कैसे लिखना होता है, ठीक। अब पॉइंट होता है सर, फिगर कैसे बनाएंगे? पॉइंट इसमें होता है सर, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं? ध्यान देना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ, ध्यान देना। जब बात करते हैं हम लोग पहले मेंबर का, यानी C2H4 का, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? यार कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है? पहले कार्बन कार्बन लिख देना है, 2 कार्बन 2 कार्बन कर देना आप, ठीक है। आपको आपको डबल बॉन्ड बनाना कंपल्सरी है, क्योंकि अल्किन फैमिली है, तो आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा ना। अब क्या करना, पहले किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, जहाँ पे 2 ही कार्बन है, तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ठीक है, बन गया बॉन्ड। अब क्या करना, अब क्या करना, जो बचा हुआ कार्बन सब है उसमें आप एच को जोड़ना है, जितना भी कार्बन बॉन्ड बनाएगा उसमें एच के थ्रू बना लेगा। आपको पता है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, 4 में से देखोगे दोनों कार्बन दो दो बॉन्ड बना चुका है, दो दो बॉन्ड बना चुका है, दो दो बॉन्ड बना लेगा तो क्या होगा? तो बाकी जब क्या करोगे, एच को लगा दोगे, ये बन गया आपका किसका, ये बन गया आपका।
बात करते हैं लोग किसका, प्रोपीन का, तो C3H6। ठीक है, C3H6 में कितना का? तीन कार्बन होता तो पर तीन कार्बन ड्रॉ कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉ कर ले तीन कार्बन। अब हमको देखो यहाँ पे तीन कार्बन से किसी एक कार दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाना है, तो हम किसी को चूज कर लेते हैं। आप या तो यहाँ बना लो या फिर आप यहाँ बना लो, बात बराबर है, दोनों सेम ही चीज ये बन गया। अब दोनों सेम ही चीज है तो अब बचाओ क्या करोगे, बचाओ को इसमें एच को जोड़ना है, एच को जोड़ना तो क्या होगा, जैसे इसको हम लेते हैं यहाँ पे, इसमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन, तो बचाओ कितना होगा, तीन एच जुड़ेगा इसमें, इसमें तीन एच को जोड़ोगे। यहाँ पे इस कार्बन में तीन बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो टोटल बॉन्ड कितना होगा, तीन बॉन्ड हो गया। तीन बॉन्ड जब यहाँ पे हो चुका है, इसमें और कितना बॉन्ड चाहिए, एक बॉन्ड चाहिए, और कितना बॉन्ड चाहिए, चलो एक बॉन्ड चाहिए, तो एक बॉन्ड चाहिए तो क्या होगा, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। ठीक है, राइट में क्या होगा, राइट में, ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया, प्रोपीन। ये सोचना था, सेम काम आप इसमें कर देना, दोनों सेम ही चीज था। ठीक है, ध्यान देना, इस फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग आपका क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। C4H8 में अगर बोलेंगे कि आपका कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो यार देखो देख क्या करना, पहले आपको अल्केन में जितने से ब्रांचिंग समझाया था ना, उतना सारा यहाँ पर करना पड़ेगा आपको। तो मान लेते हैं कि एक एक ऐसा चेन पॉसिबल है, चेक, एक ऐसा चेन पॉसिबल है, दो टाइप का चेन पॉसिबल है। अब इस चेन को अगर हम चूज करते हैं, इसमें अल्किन को डालना है, इसमें अल्किन का दो पॉसिबिलिटी आएगा, एक पॉसिबिलिटी है कि इस साइड में बना दें हम डबल बॉन्ड, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है जो डबल बॉन्ड बीच में बना दें, यहाँ बना दें, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकता है अल्किन बनने का। कोई बोलेगा नहीं हमको राइट मोस्ट राइट वाले कार्बन पे लेके जाना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप राइट में लेके चले जा, दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, तो इस टाइप के चेन से दो अल्किन पॉसिबल है, आपको दिख रहा है, ठीक है, इस टाइप के अल्किन चेन से दो अल्किन पॉसिबल है, इस टाइप के चेन से कितना अल्किन पॉसिबल है, ध्यान देना। आपको कहीं का डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो बस ऑप्शन क्या बचा है, ऑप्शन बचा हुआ आपके पास है कि किसी भी दो कार्बन को चूज कर लो। तो मान लेते हैं लेफ्ट वाले कार्बन को चूज करते हैं, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी होगा, को बोलेगा नहीं हम राइट को चूज करना चाहते हैं, तो बोले राइट जब चूज करो ना, तो राइट कुछ नया नहीं बना रहे हो, दोनों सेम ही चीज है, राइट में जब बनाओगे तो बात बराबर ही है, फिर को बस रोटेट कर दोगे ये बन जाएगा। ठीक है, को बोले ना हम नीचे बनाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे बना लो, तो नीचे भी कोई नया चीज नहीं बना रहे हो, आप सेम ही चीज बना रहे हो, आप सेम ही चीज बना रहे हो, तीनों को तीनों का सेम ही चीज है। ठीक है, तो टोटल अल्किन का पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, तो इस टाइप से क्या होगा, इसको नंबर वन कर देते हैं तो ये नंबर टू हो जाएगा, और ए नंबर थ्री है तो ए भी नंबर थ्री ही है, ए भी नंबर थ्री ही है, मतलब इसमें कोई भी नया चेंज नहीं है। तो C4H8 में यानी इस मॉलिकुलर फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग आप कितने अल्किन को ड्रॉ कर सकते हो, तो आप देखोगे इस मॉलिकुलर फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग आप टोटल अल्किन कितना ड्रॉ कर पा रहे हो, तो टोटल तीन अल्किन ड्रॉ कर पा रहे हो। कैसा सोचना है आपको, पहले आप जिस तरह से अल्किन फॉर्म में चेन का सोचे थे, चेन सोच लेना टाइप का चेन कितना होगा, उसका डबल बॉन्ड आना, जितने तरीके से आप डबल बॉन्ड आता चला जाएगा उतना ही आपका अल्किन पॉसिबल आपको दिखते चला जाएगा। बचाओ काम क्या करना, चलो तो बचाओ आपको हाइड्रोजन को डालना है, तो हाइड्रोजन को जैसे डालना होता डाल देते हैं, जैसे मान लिया अगर यहाँ को हाइड्रोजन को फिलअप करना है, इस कारण पे आपका क्या है, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या हो, दो हाइड्रोजन बचेगा, और यहाँ पे देखो इस कार्बन डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो, तीन बॉन्ड हो चुका, तो बचा हुआ क्या, एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे दो सिंगल तो क्या हो, एच, राइट मोस्ट कार्बन पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या होगा, एच। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे ध्यान देना, एच। ठीक है, ऐसा करके आप हार्डन को तो जोड़ सकते हो, हार्डन जोड़ने में कोई बड़ा काम नहीं है, आप आराम से जोड़ सकते हो। ठीक है, इससे आप लोग का C4H8 का टाइप ऑफ मतलब कितना नंबर ऑफ अल्किन पॉसिबल आपको सेम आ गया। आप लोग क्वेश्चन ट्राई करना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 में आपका कितना अल्किन पॉसिबल होगा, कितना अल्किन पॉसिबल होगा। ठीक है, इसको आप ट्राई करो। बच्चे लोग इसमें अगर हम देखते हैं C5H10 को ड्रॉ कैसे करना है, ध्यान देना, इसमें पहले आप लोग चेन का पॉसिबिलिटी देखते हैं, तो पहला पॉसिबिलिटी चेन कैसा हो सकता है जब सारा सारा कार्बन एक साथ जुड़ा हो,
सेकेंड पॉसिबिलिटी की हम बात करें तो ऐसा कुछ हो सकता है जैसे ब्रांच एक ब्रांच करते हैं, चार का चार कार्बन का चेन हो और ब्रांच एक करते हैं, ठीक है, इसको आप यहाँ कर सकते हो और आपको मन करे तो आप इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ कर रहा वहाँ कर सकते हैं आप। और एक और पॉसिबिलिटी क्या सा था, एक पॉसिबिलिटी था जो तीन कार्बन का चेन होगा उसमें ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन तीन पॉसिबिलिटी का चेन आकाश पॉसिबल है। इसमें आपको डबल बॉन्ड आना है, डबल बॉन्ड आना है तो ध्यान देना, तो इसमें देखोगे इसमें कितना पॉसिबिलिटी है, तो इसमें ध्यान देना, इसमें डबल बॉन्ड का सबसे लेफ्ट और डबल बॉन्ड सबसे लेफ्ट में होगा तो एक पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, डबल बॉन्ड उसके बाद होगा, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। इसको कोई ऐसा आप ऐसा ड्रॉ करोगे तो सही पॉसिबिलिटी है, ये कोई नया पॉसिबिलिटी नहीं है। इवन आप इसमें भी ऐसा कुछ सोचोगे तो कोई नया पॉसिबिलिटी आप नहीं ड्रॉ करो, सही पॉसिबिलिटी है, तो दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे एक टाइप का पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, इस सिस्टम में, यानी इस सिस्टम में दो पॉसिबिलिटी है, एक ये वाला पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं C5H10 में, मतलब सेकेंड पॉसिबिलिटी, इसमें कितना पॉसिबिलिटी आप ड्रॉ कर पा रहे हैं, ध्यान देना। उसमें अगर हम डबल बॉन्ड से लेफ्ट में करते हैं तो ऐसा हुआ, डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, एक और आगे निकल जाए तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद आप एक पॉसिबिलिटी हो सकता है आप डबल बॉन्ड को सबसे राइट में लेकर चल जाए, तो भी एक पॉसिबिलिटी होगा। को भी लेगा नहीं, डबल बॉन्ड को नीचे दिखाना चाहता है, डबल बॉन्ड को नीचे दिखाना चाहता है, तो भी सेम पॉसिबिलिटी है, मतलब ये दोनों सेम पॉसिबिलिटी है, नीचे दिखाओगे बात बराबर है। यानी इसमें टोटल पॉसिबिलिटी कितना आ रहा है आपके पास, इसमें आपका एक पॉसिबिलिटी यहाँ है, एक यहाँ है और एक, ये दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है, तीन पॉसिबिलिटी आप लोग को दिख रहा है। अगर बात करते इसमें, ठीक है, इसमें देखते हैं, चलो इसमें इसमें देखोगे, इसमें चूंकि हर बीच वाला कार्बन का चार बॉन्ड बना हुआ, बीच वाला कार्बन का चार बॉन्ड बना हुआ है, तो उसमें डबल बॉन्ड ड्रॉ ही नहीं कर सकता है, डबल बॉन्ड ड्रॉ करें तो पांच बॉन्ड हो जाएगा ना, बीच वाला कार्बन का चूंकि ऑलरेडी चार बॉन्ड बना हुआ है तो उसमें डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दो तो पांच बॉन्ड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं सारे कार्बन किसी, सारा कार्बन किसी से जुड़ा हुआ है, सारा कार्बन सेंटर कार्बन इस बीच वाले से जुड़ा हुआ है, तो बीच वाले से अगर जुड़ा हुआ है तो उसमें हम ट्रिपल बॉन्ड बना, सॉरी डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाएंगे बीच वाले कार्बन का जो बॉन्ड का नंबर कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के सिस्टम से नो अल्किन, नो अल्किन यानी कोई भी अल्किन पॉसिबल आपका नहीं होगा, नो अल्किन, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटी का अगर बात किया जाए, कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो ध्यान देना, एक पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटी, चार पॉसिबिलिटी, पांच पॉसिबिलिटी। तो C5H10 के लिए आपका टोटल पांच पॉसिबिलिटी ऑफ अल्किन पॉसिबल है, ठीक है, यानी पांच अल्किन इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कोरस्पॉन्डिंग पांच अल्किन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग C5H10 में टोटल पॉसिबिलिटी कितना काउंट कर चुके हैं, पांच पॉसिबिलिटी काउंट कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग के लिए होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोग ट्राई करना C6H12, ठीक है, C6H12 में कितना अल्किन पॉसिबल है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप घर पर ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अल्काइन फैमिली पे, कहाँ मूव करें, चलो अल्काइन फैमिली पे, ठीक। और अल्काइन फैमिली मूव करते हैं तो ध्यान देना, तो अल्काइन फैमिली में भी क्या होगा, क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए, चलो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, तो एटलीस्ट एटलीस्ट क्या होगा, चलो एटलीस्ट टू कार्बन होना चाहिए, यानी पहला अल्काइन कौन सा होगा, तो पहला अल्काइन होगा C2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CnS2n-2, ये होगा इसका जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे n क्या होगा, n1 नहीं होगा, n1 नहीं होगा, एक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहला पहला नंबर क्या होगा, C2H2, ठीक है, इसको बोलेंगे लोग ईथ, रूट हो गया ईथ, और क्या होगा, आयन हो जाएगा, उसका क्या होगा C3H4, इसलिए क्या बोलेंगे, प्रोप आयन, ठीक है। तो ये बात करते हैं लोग C4H6, क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटाइन, यानी सिंपली क्या करना ना, जितना कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन क्या होगा, डबल से दो कम होगा, जितना कार्बन होगा उसे डबल कर देना, उसे दो कम कर देना, उतना हाइड्रोजन होगा,
एल्केन का मतलब क्या है, जितना कार्बन उसका डबल से दो कम, जैसे चार है तो चार का डबल आठ होना चाहिए था, आठ से दो कम कर देते क्या होगा, छह हो जाएगा। तो इतना आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इतना भी सोच सकते हो आप लोग, बोलेंगे सी फाइव में एच कितना होगा, तो डबल कितना होता है दस, दस से दो कम कर देते क्या आठ हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटाइन। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा सी सिक्स, डबल कितना होता है बारह, उसे दो कम कर देते दस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हेक्साइन। ठीक, सी सेवन का डबल कितना होता है फोर्टीन, उसे दो कम कर दे बारह, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हेप्टाइन। ठीक है, बात करते हैं सी एट, डबल कितना होगा सिक्सटीन, दो कम कर दे चौदह, तो क्या हो जाएगा ऑक्टाइन। ठीक है, सी नाइन का डबल एटीन, दो कम सिक्सटीन, क्या हो जाएगा नोन आइन। ठीक है, सिंपल है, पहले रूट लिख रहे हैं, रूट के आगे सफिक्स क्या जोड़ रहे हैं, वाई ए नहीं जोड़ रहे हैं बस। ठीक है, तो अपना काम ही हो जाएगा। टेन के लिए क्या हो जाएगा, टेन के लिए डबल होगा ट्वेंटी, तो उसका दो कम कर दे तो क्या अठारह होगा, ये हो जाएगा डेक आइन। ठीक है, इसमें यहाँ तक आप लोग समझ में आ चुका है। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला पर, अगर बनाते हैं। ठीक है, ध्यान देना, बात करते हैं स्ट्रक्चर का। तो देखो यहाँ पे यहाँ से, तो पहला मेंबर क्या था सी टू एच टू था यार, पहले कार्बन कार्बन लिख दे। अब कार्बन कार्बन क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, कार्बन कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो ट्रिपल बॉन्ड पहले बना दे, बना दिए। अब दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन चाहिए तो जोड़ देते हैं एक एक हाइड्रोजन, तो हो गया आपका पहला मेंबर, इथाइन का फिगर ऐसा बनेगा। ठीक है, सी थ्री एच फोर, पहले क्या करोगे आप तीन कार्बन जोड़ दिए, अब उसमें बॉन्ड बनाना होता है, बॉन्ड में बनाएंगे तो आपका बॉन्ड कहाँ बनेगा, तो कहीं बना दो, तो किसी एक कार्बन में आप ट्रिपल बॉन्ड बनाना है आपको, मान लेते हम यहाँ बना दिए, कोई आपको लगता है तो आप यहाँ बना दो, बना दिए। ठीक है, तो ये बन गया, तो दोनों सेम ही चीज़ है। अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे, बीच वाले कार्बन पे चूंकि चार बॉन्ड बना हुआ है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, और राइट में क्या जोड़ेंगे तीन हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा इथाइन, इसको बोल सकता प्रोपाइन। ठीक है, बाकी आप लोग का होमवर्क क्या है, बाकी आप लोग ब्रांचिंग तो कर सकते हो आप आराम से यार, एक आपको समझा दे रहे हैं हम, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सी फोर एच सिक्स में कितना पॉसिबिलिटी है, तो पहले पहले आप चेन सोच ले, तो चेन ऐसा हो सकता है या चेन ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसमें कितना अल्काइन पॉसिबल है, ट्रिपल वन इधर कर लेंगे तो एक हो जाएगा, या फिर ट्रिपल वन बीच में कर दोगे तो दूसरा हो जाएगा। चेक, इसमें 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 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बीच वाला बॉन्ड क्या है, बीच वाला कारण में आप देखोगे तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बन चुका था, यहाँ पे आपका तीन बॉन्ड बन चुका है, तो आप ट्रिपल बॉन्ड बना नहीं पाओगे। ट्रिपल बॉन्ड बनाने मतलब क्या हो जाएगा, पांच बॉन्ड हो जाएगा, पांच बॉन्ड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मान लेते हैं आप ट्रिपल बॉन्ड बनाते भी हो तो देखो यहाँ पे दो बॉन्ड और बनाना पड़ेगा, दो बॉन्ड और बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा तीन और तीन और दो इधर से पांच, पांच हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आपका अल्काइन पॉसिबल नहीं है, नो अल्काइन, नो अल्काइन इज पॉसिबल। ठीक, तो आपका इसमें कितना अल्काइन पॉसिबल होगा, तो टोटल इस फिगर में टोटल दो अल्काइन पॉसिबल होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, वन एंड टू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हुए चलो, तो ध्यान देना, बोलेंगे अगर हम बोल रहे हैं कि सी फाइव एच एट में कितना पॉसिबिलिटी होगा, पहले चेन सोच लेते हैं, पहले लीनियर चेन सोच सकते हैं लोग। ठीक है, फिर ब्रांचिंग वाला सोच सकते हैं लोग, फिर ऐसा सोच सकते हैं, तो आपको पता है कि इसमें तो क्या, इसमें अल्काइन पॉसिबल नहीं होगा, नो अल्काइन पॉसिबल, नो अल्काइन इसमें पॉसिबल होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, और बात करते हैं इस पॉसिबिलिटी का, बात करते हैं इस पॉसिबिलिटी का, इस पॉसिबिलिटी ध्यान दे, आपका अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट में हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी, ट्रिपल बॉन्ड बीच में हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी आंसर होता है। इसमें देखोगे तो इसमें इसमें अगर हम चेक करते हैं तो इसमें देखोगे तो क्या होगा, लेफ्ट में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड बीच में नहीं आ सकता, बीच में आने से क्या होगा, बीच पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है,
क्योंकि बीच में करने से आपको पांच, इस कार्बन का पांच बॉन्ड हो जाएगा, इस कार्बन का पांच बॉन्ड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी होगा, टोटल पॉसिबिलिटी काउंट करो तो क्या होगा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, टोटल तीन तीन अल्काइन पॉसिबल है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपका टोटल तीन अल्काइन पॉसिबल है, ठीक है। अब ध्यान दोगे, जब भी नाम का बोलते हैं ना, तो नाम का मतलब आपको जब बोला जाएगा ना नाम, तो नाम में अगर बोला जाएगा तो नाम में हमेशा लीनियर चेन उसको चूज करना है। मतलब जो ब्रांचिंग वाला का लिख रहा ना, ब्रांच वाले का नाम कुछ अलग हो जाता है, ठीक है। तो बोलेंगे पेंटीन है, तो पेंटीन में हमेशा तुम लीनियर का चेन को चूज करोगे, लीनियर चेन को चूज करना है, ब्रांच को मत चूज करना, ब्रांचिंग वाले को मत चूज करना। यानी आपका जो नाम होता है ना, जब भी हम बोलते हैं नेम, तो ये नाम वाले में हमेशा लीनियर चेन को चूज करोगे। नाम में, नाम हमेशा लीनियर चेन के लिए होता है, तो लीनियर चेन, ठीक है, चूज लीनियर चेन, यानी इसमें कोई ब्रांचिंग मत करना, ठीक है। ध्यान देना, हमेशा जब नाम के लिए बोले, अगर नाम बोले के बोलेंगे ड्रॉ करो, तो आप हमेशा क्या करोगे, आप लीनियर चेन को चूज करोगे, ठीक है, पहला चीज। एंड डबल बॉन्ड जो ड्रॉ करेगा एंड पे करना, एंड पे यानी टर्मिनल पॉइंट पे, डबल बॉन्ड एट एंड, ठीक है। जैसे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम लोग यहाँ तो चलेगा, जैसे मान लिया ब्यूटीन का बात करें, तो ब्यूटीन किस लिए बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे जनरली, ठीक है, जनरली इसको बोलते हैं ब्यूटीन, इंड वाले पॉइंट को, डबल बॉन्ड इंड पे है और लीनियर चेन है, ठीक है। इसको मत बोलना, इसको यहाँ पे नाम मत बोलना, ये नाम कुछ अलग हो जाएगा। बोलेंगे पेंटीन किसको बोलेंगे, तो पेंटीन इसको बोलोगे, पेंटीन इसको बोलोगे, ठीक है। कुछ नहीं बोला तो पेंटीन आपके लिए होगा, आपको लीनियर चेन बनाना है और डबल बॉन्ड का रखना, इंड पॉइंट रखना है, तो नाम का मतलब ये होता है, क्योंकि बाकी आप नाम अभी तक सीखे नहीं हो, ठीक है। जैसे बोलेंगे आपको बनाना है ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन इसको बोल देंगे, इसको जनरली ब्यूटाइन नहीं होगा आपके लिए, ठीक है, ब्यूटाइन नहीं होगा, सिर्फ ब्यूटाइन का मतलब आपको ये बोल, ये सोचना है। बोलेंगे पेंटाइन, तो पेंटाइन का मतलब इसको बोलना आपको सोचना है, ये होगा पेंटाइन। यानी जब भी नाम रहेगा, तो नाम के लिए आपको, नाम के कोर्स में बनाना, तो आपको लीनियर चेन बनाना है, चूज लीनियर चेन, चूज लीनियर चेन एंड ट्रिपल बॉन्ड एट इंड, एट इंड, ये सोच चलना है, ठीक है, इतना कर लेंगे, ठीक है। चलो चलो, आज के क्लास के लिए इतना काफी रहेगा।